दोस्तों, घर इलाका पहचाना हुआ है और ये वही जगह है जहाँ पर हमने कुछ दिन पहले एक धामना निकाला था। आई बटन में लिंक है, आप देखिए जरूर। ये में हुआ है भैया, पीछे इधर ही कहाँ चुहा भील है। क्या वाला है? नाग है, लग रहा है नाग, नाग टाइप के लग रहा है। नाग है, नाग है। पैरा है भूसा खत्म हो गया, हम लोग निकाल दियो तो इतना सारा रखे। दोस्तों, इसके अंदर नज़र तो आया है, दिखा और टेल दिख रही है, और ये शायद धामन है। दोस्तों, ये धामना है, आगे की ओर बढ़ रहा है और अब इसे कैप्चर करने का वक्त आ गया है। इंडियन रैट स्नेक है तो ठीक है, अच्छे बड़े साइज का लग रहा है देखकर, तो इसे बाहर निकाला जाएगा। देखिए दोस्तों, चूहे होने का क्या नुकसान है, इतनी सारी चीज़ें इस बिल से बाहर आई हैं। अभी तक स्नेक नहीं आया है क्योंकि ये पता नहीं कितना बड़ा टनल उन्होंने बना के रखा हुआ है, बहुत ही गंदी सीलन की बदबू आ रही है। मैं तो आ गया बाहर। क्या सीख ठीक है? रुको, मैं हटा रहा हूँ उसको। पड़ा तो नहीं ना उसको? नहीं 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 वो डब्बे में नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये एक इंडियन रैट स्नेक है, जहाँ चूहे बहुत ज्यादा होते हैं वहाँ ये बहुत होता ही है। ये बहुत शानदार पेस्ट कंट्रोलर है और इस डब्बे में आएगा नहीं तो एक बोरा सा हम जुगाड़ कर रहे हैं, उसमें इसे डाल के ले जाएंगे। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। इस घर में दोस्तों बहुत बड़े बड़े धामना मिलते हैं, तो चलिए इसे रखते हैं, उसके बाद इसे रिलीज करते समय आपसे मिलते हैं। इस तरीके का एक जुगाड़ बनाया गया है, कोशिश कर रहे हैं कि उसमें चला जाए, हमारा रेगुलर नहीं है। इतनी जोर से गुर्रा रहा है। बहुत ताकत रहता है। रुको दीपक। दोस्तों, रेस्क्यू करने के बदले ये मिला है। ग्रामीण जो होते हैं भोले भाले होते हैं दोस्तों, और छल कपट से बहुत दूर होते हैं। प्रेम स्वरूप उन्होंने हमें दो नारियल गिफ्ट किए और अब इस रैट स्नेक को हम बाहर निकाल देते हैं। दिक्कत ये होती है दोस्तों कि हम डब्बे के हिसाब से हो नहीं पाता है, और हमने इसे तुरंत ही उसी इलाके के आसपास से रिलीज किया दोस्तों, जहाँ से हमने इसे रेस्क्यू किया था, और ये ऊपर आराम से अब छाया में रेस्ट करेगा और हम भी अपने इलाके में चले जाएंगे। अपना इलाका मतलब अपना दोस्त। तो दोस्तों, मिलते हैं आगे किसी और रेस्क्यू के वीडियो में, रिलीजिंग के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।